EVs का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आने वाला इमेज है टेस्ला और हमारे गुरु बाबा एलॉन। पिछले कुछ 3-4 सालों में ये इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन ने हमें इतना इन्फ्लुएंस किया है कि अब दुनिया के ऑलमोस्ट सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने खुद के EVs बनाने में लगे हैं। इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन से ज्यादा तो खुद टेस्ला ने दूसरों को इन्फ्लुएंस किया है। अब इस इन्फ्लुएंस के तहत एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट करते हैं कि बाय 2030 दुनिया के मेजोरिटी ऑफ 45-50% ऑफ गाड़ियां तो इलेक्ट्रिक ही होंगे। अब क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां या जिसे हम EVs कहते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कैसे कर पाते हैं? क्या ये वो सेम इंटरनल कंबशन इंजन है जिसमें बस एक बड़े बैटरी को लगा दिया गया है, या कुल मिला के ये बिल्कुल ही एक अलग मोड ऑफ वर्किंग पे चलता है? वेल, जानने के लिए आज के इस वीडियो में हमें ज्वाइन करें, जहां हम इन कार्स को पूरी गहराई से छाटेंगे और ये पूछेंगे कि आखिर कैसे ये इलेक्ट्रिक इंजन्स एक्चुअली काम करते हैं। आपको ये शॉकिंग लगेगा कि इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का वर्किंग प्रिंसिपल का खोज ये इन इंटरनल कंबशन इंजन से भी कई दशकों पहले हुआ था। 1834 में एक डच प्रोफेसर जिनका नाम था सिब्रांडा स्ट्रैटिंग फ्रॉम नेदरलैंड्स, उन्होंने अपना एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाया था। इस व्हीकल का प्रॉब्लम बस ये था कि उसका बैटरी नॉन रिचार्जेबल था। दोस्तों, हमारे नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजिन या IC इंजिन्स काम करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल एंड एयर। व्हेन इट इज कंप्रेस्ड एंड इग्नाइटेड, ये एक टाइनी एक्सप्लोशन क्रिएट करता है। ये एक्सप्लोसिव फोर्स एक पिस्टन को पुश करता है और इस पिस्टन का लीनियर मोशन अलोंग विद इट्स फेलो पिस्टन्स मोशन एक रोटरी मोशन तैयार करता है थ्रू अ मैकेनिकल क्रैंकशाफ्ट, और ये आपके गाड़ी के व्हील को घुमाता है व्हेन यू आर ऑन अ हाईवे। अब इस कंसेप्ट से कंप्लीटली ऑपोजिट वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो एक इलेक्ट्रिक कार को चलाता है, तो वो है मैग्नेटिज्म। अब ये सबको पता है कि कैसे दो मैग्नेट्स के ऑपोजिंग पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स रिपेल। अब आप लोग एक एक्सपेरिमेंट को इमेजिन करना यूजिंग 2 मैग्नेट, वन फिक्स्ड और दूसरा रोटेटिंग ऑन अ नियर बाय शाफ्ट। इसमें अगर लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं लाइक नॉर्थ नॉर्थ, तो ये रिपेल होगा, और अब क्योंकि ये एक शाफ्ट पर माउंटेड है ये शाफ्ट अब घूमेगा अंटिल उस नॉर्थ पोल के सामने रोटेटिंग शाफ्ट में रखा मैग्नेट का साउथ पोल नहीं आता और यहाँ वो शाफ्ट का घूमना रुक जाता है। हमारे इस इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट में हम शाफ्ट को बस हाफ रोटेशन तक घुमा पाए हैं और ये हाफ रोटेशन के साथ हम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, और यहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एंट्री होती है। ये हमारे नॉर्मल मैग्नेट से एकदम अलग होते हैं जिसमें नॉर्थ हमेशा नॉर्थ और साउथ हमेशा साउथ में रहता है, जबकि इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में एक मेटल कोर होता है कॉइल्ड विद इलेक्ट्रिकल वायर्स जिसके मैग्नेटिक पोलैरिटी को रिवर्स किया जा सकता है। अब वापस हमारे एक्सपेरिमेंटल मैग्नेट्स को जरा इमेजिन करना, बट नाउ मॉडिफाइड। अगर इस वक्त साउथ नॉर्थ को फेस करता है तो इस वक्त इलेक्ट्रिक पल्स देकर हम उसकी पोलैरिटी को बदल सकते हैं, मतलब नाउ इट्स नॉर्थ नॉर्थ। दैट मींस कि ये अब रिपेल होगा और शाफ्ट को एक पूरा रोटेशन देगा। अब ये कैसा होता है ये जानने के लिए एक सिंपल सर्किट को इमेजिन करें, जहां हम बस एक बैटरी और एक लाइट बल्ब को लेंगे और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे फ्रॉम दी बैटरी थ्रू दी वायर्स टू दी लाइट बल्ब और फिर वापस बैटरी के अंदर। अगर इस सर्किट में हम बैटरी को निकालकर उसे 180 डिग्री फ्लिप भी करते हैं तब भी इससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, बट नाउ इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसा भी हो बल्ब तो जलना है। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का भी इन बल्ब के जैसा ही सीन है, कोई भी डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन फ्लो में ये चल जाता है। अब बस फर्क इतना ही है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अनुसार ये मैग्नेट्स अपनी पोलैरिटी बदलता रहेगा। सो अब हमारे मैग्नेट को परमानेंटली रिपल मोड में रखने के लिए हमें इसके पोलैरिटी को रिवर्स करते रहना होगा। अब ये कैसे कर सकते हैं? वेल, एक चीज जो हम यहाँ कर सकते हैं तो वो है बैटरी को फ्लिप करते बैठना। अगर अब यही करते बैठना था तो IC इंजन ही बेहतर है, क्यों इतना कष्ट लेने का? सो इस मैग्नेट को स्पिन कराने का असली ट्रिक जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक मोटर्स काम करते हैं तो वो है दी सो कॉल्ड इन्वर्टर्स। इन EVs के ये इन्वर्टर मॉड्यूल्स वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो कार बैटरी से डायरेक्ट करंट को ड्रॉ करके उसे कुछ क्लेवर कॉम्बिनेशंस ऑफ क्विक स्विचर्स, सर्किटरी और कैपेसिटर्स की मदद से इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को फ्लिप करते रहते हैं, एंड दैट टू बैक एंड फोर्थ, और वो भी नियरली 60 टाइम्स अ सेकेंड। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मोटर्स जैसे कि आपके हेयर ड्रायर में जो होता है, उन्हें इन इन्वर्टर्स का जरूरत नहीं होता क्योंकि जो करंट आपके दीवार के स्विचबोर्ड में से आ रहा है वो खुद बैक एंड फोर्थ फ्लिप हो रहा होता है, इसीलिए तो हम उसे अल्टरनेटिंग करंट या AC करंट कहते हैं। अब चाहे वो दुनिया के कोई भी तरह के बैटरीज हो, वो सिर्फ डायरेक्ट करंट या DC ही प्रोड्यूस कर सकता है। सो ये रोटेटिंग मैग्नेट्स ड्रिवन बाय अल्टरनेटिंग करंट्स इन देयर कॉइल्स वो एसेंशियल सोर्स है जो इन इलेक्ट्रिक कार्स को चलाता है। अब IC इंजिन्स के ऊपर इन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स का बहुत से एडवांटेजेस है। फॉर स्टार्टर्स, जो मोशन इन मोटर से प्रोड्यूस होते हैं वो खुद एक रोटरी मोशन है, जबकि दूसरी ओर IC इंजन के डर्टी पिस्टन से प्रोड्यूस होने वाला लीनियर मोशन को एक ब्रेकेबल क्रैंकशाफ्ट के मदद से रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है,
और इस चक्कर में कुछ अमाउंट तक एनर्जी लॉस भी होता है, और एनर्जी लॉस का मतलब है एफिशिएंसी लॉस। सो दीस ईवीज आर लेस लाइकली टू फेल, और इसे ना ही वो एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। एंड हियर्स वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट इन्वर्टर। By adjusting the frequency and the amplitude of the alternating current, हम गाड़ी के स्पीड और टॉर्क को finally calibrate कर सकते हैं from the driver's seat। अब ऐसा fine control तो आपको वो गरम mechanical IC engines में तो नहीं मिल सकता, और इसीलिए तो उन गाड़ियों में expensive accident prone provisions like gear boxes की necessity बनी रहती है। अब दुनिया भर में ऐसे बहुत से इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, और उनके डिजाइन में जो रिफाइनमेंट्स हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट हर रोज कुछ नया सामने लेके आता है। बट वो एक अकेला कैलिफोर्नियन कार कंपनी नेम्ड आफ्टर दी 19th सेंचुरी जीनियस जिन्होंने ये अल्टरनेटिंग करंट का मैजिक को इन्वेंट किया था, दी लेजेंड निकोला टेस्ला, वो कंपनी इस पूरे ईवी मार्केट का नक्शा ही बदल दिया है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होगी, ईवी या एक आईसी इंजन, कमेंट्स में मुझे बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इलेक्ट्रिफाइंग टॉपिक्स, बाय फ्रॉम टेक बाबा।